हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे बताया था, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 21 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और ओनली 19 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी वजह से मैंने आपसे यूनिट वाइज सिलेबस ख़त्म करने के लिए कहा था। तो पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन मैंने फार्मास्यूटिक्स का एक क्वेश्चन मैंने ख़त्म कर दिया है और दूसरा क्वेश्चन आज लेके आया हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फार्माकोपिया, राइट ए शॉर्ट नोट IP एंड BP। इसमें मतलब फार्माकोपिया से आप क्या समझते हैं और शॉर्ट नोट इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया के ऊपर लिखना है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बार बार हर साल के पेपर में पूछ ले रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर 2020 और 21 का है और ये 10 नंबरों में ये पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया है आपसे। तो दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए मैं आपको इस के आंसर पे लेके चलता हूँ। आप इसका आंसर देख सकते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चन देख लीजिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन IP BP एंड USP। इसमें USP को भी मैंने इन्वॉल्व कर दिया है और इसका आंसर आप देख सकते हैं, इंडियन फार्माकोपिया पहले मैंने टॉपिक बनाया है। पहले आप फार्माकोपिया को समझिए, फार्माकोपिया क्या है। फार्माकोपिया एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड आपका फार्माकोन है, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और पिया का मतलब होता है मैन्युफैक्चर, जो कि ये दूसरा वर्ड है, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड ऑफ फार्माकोपिया। इसे हम फार्माकोपिया कह सकते हैं जिसमें ड्रग को बनाया जाता है। और आगे हम समझते हैं इंडियन फार्माकोपिया को। फार्माकोपिया इज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक। फार्माकोपिया एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक है, ए बुक ऑफ स्टैंडर्ड अप्लीकेबल टू ड्रग। इस बुक में स्टैंडर्ड अप्लीकेबल किया जाता है ड्रग को एंड डोजेस फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग, और इसके डोज को और फार्मास्यूटिकल ड्रग को अप्लीकेबल इसमें बनाया जाता है। और इसमें टेस्ट किया जाता है क्या इसका आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी एंड पोटेंसी, और क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ड्रग की मात्रा और गुड़ चेक किए जाते हैं इसमें फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के अंदर, ये सब पाए जाते हैं। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 इन पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, 1948 में इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश्ड किया गया और इसके लिए एक कमिटी कंजुक्टेड किया गया था, द इंडियन फार्माकोपिया एडिशन ऑन स्टेप्स। मतलब ये स्टेप वाइज स्टेप इसके एडिशन होते गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, फर्स्ट एडिशन 1955 में हुआ और सेकंड एडिशन 1966 में हुआ, थर्ड एडिशन 1985 में हुआ और फोर्थ एडिशन 1996 में हुआ और फाइव एडिशन आपका हुआ था 2007 में और सिक्स एडिशन 2010 में हुआ और सेवन्थ एडिशन 2014 में हुआ और एट एडिशन 2018 में हुआ, जो कि इसे लेटेस्ट एडिशन भी कहा जाता है। अब दोस्तों, हम जानते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी बीपी को। ये भी एक अपने देश की गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक ही है। सभी देशों के अपने अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल फार्माकोपिया के बुक होते हैं, उसी तरह ब्रिटिश फार्माकोपिया के भी एक खुद की गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक है। फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड, फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1864 में हुआ। मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन जो हुआ था 1864 में हुआ था। और इट कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शन, इसके कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शन यानी दो पार्टों में है। पहला पार्ट आपका मेट्रिया है, जिसका अर्थ होता है मीडिया, और दूसरा पार्ट है प्रिपरेशन या कंपाउंड। सेकंड एडिशन आप देख सकते हैं कब हुआ था, सेकंड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1867 में हुआ और थर्ड एडिशन आप देख सकते हैं 1884 में हुआ, फोर्थ एडिशन आप देख सकते हैं 1898 में हुआ और फिफ्थ एडिशन हुआ था 1914 में और सिक्स एडिशन हुआ था 1955 में हुआ था। ऐसे ही एडिशन होते गए और इसके आगे का एडिशन और भी हैं, जिसको आप न लिखें तो भी अच्छा है और एग्ज़ाम में लिख लेंगे तो भी अच्छा है। इन दिस एडिशन टाइटल ऑफ ड्रग,
ये एडिशन जो भी हैं ड्रग के टाइटल हैं प्रिपरेशन वेयर इज द इंग्लिश, इसके प्रिपरेशन इंग्लिश में होते हैं इन स्टेट एंड मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम में इसका होता है, मेट्रिक सिस्टम यानी कि ओल्ड सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम को आप आगे पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। अब आगे देखते हैं यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसको ये भी अपने देश का एक ऑफिशियल गवर्नमेंट बुक है फार्माकोपिया का, जैसा कि आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ऑफिशियल फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट इज पब्लिश्ड विथ नेशनल फार्मेसी फार्मेलरी। तो नेशनल फार्मेलरी जो है इसने पब्लिश्ड किया था यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को। और सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं यूएसपी स्टेट स्टेबलाइज्ड राइटन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल फूड इंग्रेडिएंट्स ओरिएंटली टू क्लीट। स्टेबलाइज्ड लिखने के बाद फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन फूड इंग्रेडिएंट्स ओरिएंटली क्लाइट किए गए थे। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं दिस स्टैंडर्ड आर यूज्ड विल रेगुलेटरीज अगेंस्ट एंड मैन्युफैक्चरर टू हेल्प, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है रेगुलेटरी एंड इंश्योर दैट दिस प्रोडक्ट आर फॉर क्वालिटी प्योरिटी आइडेंटिफाई एंड प्योरिटी, मतलब इसकी आइडेंटिफाई करता है प्योरिटी को क्वालिटी को और प्रोडक्ट के क्वालिटी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करता है ये ऑफिशियल फार्माकोपिया बुक। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यूएसपी स्टैंडर्ड फॉर फूड इंग्रेडिएंट कैन बी फाउंड इट इट्स एफसीसी, यानी एफसीसी का मतलब होता है फूड केमिकल कोडेक्स, इसके एडिशन आप देख सकते हैं, इसका फर्स्ट एडिशन 1820 में हुआ था। आफ्टर ऑल एडिशन इसके 10 साल के अंतराल में होते गए, जैसा कि फर्स्ट एडिशन 1820 में हुआ वैसे ही थर्ड एडिशन 1830 में हुआ, फोर्थ एडिशन उसके बाद, फर्स्ट एडिशन तो ये हुआ, सेकंड एडिशन 30 में हुआ, फोर्थ एडिशन थर्ड एडिशन आपका हुआ 40 में और फोर्थ एडिशन हुआ 50 में 1850 में, ऐसे ही 10 साल के अंतराल में होते गए। और ऐसे ही करते करते आगे जब गया 1940 यानी 1940 में, तो वहाँ से 5 साल के अंतराल में एडिशन होते गए। और जैसे ही 2000 तक गया तो वहाँ से 2 साल के अंतराल में इसके एडिशन होते गए। और यूएसपी के एडिशन बहुत सारे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन हर साल लगभग पूछ ही लेता है, और फर्स्ट यूनिट से लगभग 28 नंबर का क्वेश्चन उठा के देता है पेपर में, टोटल की 99 नंबर का होता है और जिसमें से हमें 75 नंबर का करना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से, जहाँ तक उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों।